दिल्ली सरकार का कबीला दुरुस्त करने के लिए दबाव बढ़ाया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से सबको मुतहरिक करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान काला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज पूरा पाकिस्तान महंगाई की चक्की में पिस रहा है। बिजली और गैस के निर्ख 3 गुना बढ़ा दिए गए। एपीसी का फैसला हतमी है कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। महंगाई मिटाने के नारे मार के आने वाले आज पाकिस्तान को महंगाई की चक्की में इस तरह पीसा है। ठीक कहा था असद उमर ने, सच निकल गया था उसके मुंह से कि अवाम की चीखें निकलनी है। अभी निकलेंगी, हाँ निकल रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गई, कोई 38-40 डॉलर के बैरल पे आ गई, लेकिन न तेल के रेट कम हो रहे हैं बल्कि बिजली के निर्ख और बढ़ाए जा रहे हैं। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी अपनी बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत के खिलाफ एक हतमी तहरीक चला के इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तो वो लेके आएगी, वही हमारी मंजिल का तय करेगी। और जो जो स्टेप उठाना पड़ा हत्ता के इस्तीफों तक जाने का, हम बिल्कुल हर स्टेप उठाने को तैयार होंगे।